हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट आर नथिंग बट दे आर द पॉलीसेकेराइड्स। ये जो है पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉली मीन्स मेनी, सेकेराइड तो बहुत सारे सेकेराइड मॉलिक्यूल जुड़ के पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। ये जो सैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये सैकेराइड मॉलिक्यूल है ना, ये इस टाइप से ये बहुत सारे पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स है, ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं एक स्पेशल लिंकेज से। ये जो लिंक है ये स्पेशल टाइप की लिंक है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड से ये कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो पॉलीसेकेराइड उसमें मोनोसेकेराइड होते हैं, जिससे से कनेक्ट होते हैं अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट माउथ में होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है उसमें होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो है वो इस अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है या जो पॉलीसेकेराइड्स है, पॉलीसेकेराइड्स जो है ये पॉलीसेकेराइड कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, थोड़े से स्मॉलर पॉलीसेकेराइड्स में। या आप बोल सकते हैं कि उसका पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, क्योंकि माउथ में जो है कार्बोहाइड्रेट या फूड मटेरियल जो है बहुत कम टाइम के लिए स्टे करता है, इसलिए यहाँ पे टाइम कम मिलता है, है ना। तो यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन माउथ। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो बोलस बना है, जो फूड पार्टिकल्स है आपके, ये जो है ये ट्रेवल होते हुए कहाँ आएंगे, स्टमक में आएंगे। स्टमक में जैसे ही पहुंचते हैं, तो स्टमक में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पर जो है क्या प्रेजेंट रहता है, HCl। और ये सलाइवरी अमाइलेज जो होता है एंजाइम, ये सलाइवरी अमाइलेज भी उस बोलस के साथ में आया है। तो जैसे ही ये सलाइवरी अमाइलेज HCl के कांटेक्ट में आता है, ये सलाइवरी अमाइलेज जो है ड्यू टू द एसिडिक pH ये गेट इनएक्टिवेटेड, ये क्या रहता है, इनएक्टिवेटेड हो जाता है। अब उसके बाद जो फूड पार्टिकल है या जो बोलस है या जो काइम बन गया है, अब इसको ये अब कहाँ पहुंच जाएगा, डियोडेनम। डियोडेनम मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला रीजन, डियोडेनम में पहुंच जाता है। और डियोडेनम में हम जानते हैं क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस प्रेजेंट होता है। तो अब काइम कहाँ पहुंच गया है, डियोडेनम में पहुंच गया है, और यहाँ पे क्या है, पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है, उसका नाम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज वर्ड है, मतलब ये कार्बन का डाइजेशन करेगा ही करेगा। ये क्या करेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड जो कार्बोहाइड्रेट था, है ना, इसके ऊपर एक्ट करेगा। और ये क्या करेगा, उसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड करेगा, जिसकी वजह से अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड जो कार्बोहाइड्रेट था वो अब और सिंपलर कार्बो सैकेराइड्स में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो डियोडेनम की वॉल जो होती है, ये इसको हम, ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है एंटेरोसाइट से। तो मैंने ये डियोडेनम की वॉल ड्रॉ कर दिया, एंटेरोसाइट्स बना दिया। इस एंटेरोसाइट्स पे यहाँ पर ब्रश बॉर्डर पे कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। जैसे कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो इसमें होते हैं माल्टेज, है ना, सुक्रेज, फिर उसके बाद जो है लैक्टेज, ऐसे कई सारे इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रश बॉर्डर पे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये है आपकी ब्रश बॉर्डर, या फिर आप बोल सकते हो कि डियोडेनम, डियोडेनम की वॉल है। ठीक है, अब ये जो एंजाइम्स है ये क्या करेंगे कि जो ये पार्शियली डाइजेस्टेड
पॉलीसेक्राइड्स जो आए हैं इनको क्या करेंगे कि इनमें पॉलीसेक्राइड्स में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, इसमें जैसे रहेगा माल्टोज बन चुका रहेगा पॉलीसेक्राइड से, उसके बाद जैसे सुक्रोज बन चुका रहेगा, सुक्रोज बन चुका रहेगा और साथ में लैक्टोज बन चुका रहेगा, तो इस टाइप से जो पार्शियली डाइजेस्टेड पॉलीसेक्राइड्स है वो अब इन फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। जैसे माल्टोज है, माल्टोज जो है ये माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माल्टोज, माल्टोज के ऊपर एक्ट कौन करेगा, माल्टेज एंजाइम जो कि ब्रश वाटर में प्रेजेंट है और उसको कन्वर्ट किस में करेगा, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल में, है ना। तो उसके बाद जैसे सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज जो है उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा, एंजाइम सुक्रेज, है ना, और उसको वो कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, ये दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद जैसे लैक्टोज, लैक्टोज रहेगा तो उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा, लैक्टेज एक्ट करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। अब इसके इन सभी एंजाइम्स की एक्टिविटी की वजह से क्या होगा कि ये जो ल्यूमेन पार्ट है डियोडेनम का यहाँ पे क्या बन चुके हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो डेवलप हो चुके हैं, मतलब जो पॉलीसेक्राइड हमारे फूड में था वो अब मोस्ट सिंपलर सेक्राइड में मतलब कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया है। अब हम आगे देखते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, है ना, क्योंकि अब फाइनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो बन चुके हैं और एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी है। तो फिर से मैं यहाँ पर जो है इस टाइप से एंटेरोसाइट बना रहा हूँ, एंटेरोसाइट बना रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ, डियोडेनम की वॉल बना रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर जो है ये जो इस साइड क्या है, ये आपका ल्यूमेन साइड है और ये बाहर वाला साइड, और यहाँ पर जो है क्या रहेगी आपकी ब्लड वेसल रहेगी, ठीक है, ये ब्लड वेसल रहेगी इस टाइप से। ये जो ल्यूमेन साइड का सरफेस होता है इसको हम बोलते हैं अपाइकल सरफेस, और जो उसका अपोजिट सरफेस होता है उसको बोलते हैं हम बेसल सरफेस। ये जो है ये क्या है, बेसल सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं ल्यूमेन पार्ट में अब कार्बोहाइड्रेट का पूरा डाइजेशन हो गया और क्या बन चुके हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, है ना। अब हम जानते हैं कि इस ल्यूमेन में साथ में और सोडियम होता है, सोडियम भी होता है ना, है ना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गए और सोडियम भी है। अब क्या होगा कि ये अपाइकल सरफेस पे एक को ट्रांसपोर्ट होता है जो कि इस सोडियम के साथ में को ट्रांसपोर्ट होता है, तो दो सोडियम मॉलिक्यूल जब इस एंटेरोसाइट में आते हैं तो साथ में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे एंट्री कर देता है, ठीक है ना। ये जो ट्रांसपोर्टर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द अपाइकल सरफेस ऑफ द एंटेरोसाइट, ठीक है ना। अब उसके बाद ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ आ गया है ये ब्लड स्ट्रीम में आना चाहिए, तो यहाँ पर एक और ट्रांसपोर्टर होता है ये इस टाइप से, उसका नाम है ग्लूट टू ट्रांसपोर्टर जो है वो क्या करता है, इस एब्जॉर्ब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जो है ब्लड तक पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पर है ब्लड और तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्लड तक आ गया, इसके कारण से ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ने लगता है, तो या तो ये ग्लूकोज एनर्जी पर्पस के लिए यूज हो जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन यूज हो जाएगा, या तो ये इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। थैंक यू।